हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स प्रॉब्लम सेट 41। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड ऐड देम। तो जो आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है स्टेटमेंट के जैसे, उसको आपको क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शंस में लिखना है और उनका एडिशन करना है। तो फर्स्ट आपको दिया है 1.5 मीटर एंड 2.5 मीटर्स, इनको आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हमें डेसिमल फ्रैक्शन में इनको लिखना होगा, उसके बाद एडिशन करना होगा। तो 1.5 मीटर, तो कैसे लिखेंगे, 1.5 मीटर प्लस ऐड करना है क्या, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। इसे हमें क्या करना होगा, पहले फ्रैक्शन में लिखना होगा अच्छे से। तो देखिए 1.5 हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि देखिए पहले तो आपको याद क्या रखना है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर आते हैं, 100 सेंटीमीटर आते हैं। ये जैसे कि प्रीवियस जो वीडियोस है उसमें हमने डिटेल में देखा है कि मीटर सेंटीमीटर यूनिट किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। तो 1.5 मीटर्स को लिखेंगे हम 1.50। तो 1.50 कैसे आया, देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर का हाफ, तो 100 का हाफ कितना आएगा, 50 आएगा। इसके लिए हमने लिया है 1.50 मीटर प्लस 2.5 मीटर, कैसे लिखेंगे, 2.50 मीटर्स। तो ये चीज़ें आपको समझना होगा यहाँ पे कि हमने ये 50 क्यों लिया है, हाफ मीटर दिया है, 1 मीटर का हाफ क्या आता है, 50 आता है, 50 सेंटीमीटर। इसके लिए हमने 1.50 मीटर लिया है। अभी इनको हमें करना होगा एडिशन, एडिशन करना है। तो 1.50 मीटर प्लस 2.50, 50, तो इनका करेंगे हम एडिशन। 0 प्लस 0 क्या आएगा, 0। 5 प्लस 5 क्या आएगा, 10। तो 0 कैरी 1 हो जाएगा, और पॉइंट के नीचे पॉइंट है, तो पहले यहाँ पे हमें पॉइंट देना है। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 आएगा 4। तो ये आएगा आपका आंसर। तो एडिशन जो है 1.50 मीटर प्लस 2.50 मीटर, या फिर जो हमने लिखा था 1.5 मीटर प्लस 2.5 मीटर, इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 4.00 मीटर्स। सेकेंड आपको दिया है 4.75 रुपीज एंड 7.25 रुपीज। तो इन्हें हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, 4.75 रुपीज प्लस क्या करना है हमें, 7.25 रुपीज, 7.25, 1/4 रुपीज। इसको हम करेंगे ऐड। तो देखिए 4.75 अपॉन 4.75 हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि देखिए 1 रुपीज में होते हैं कितने पैसे, 100 पैसे होते हैं। तो इसका 1 रुपीज का हमें कितना पार्ट लेना है, 3/4 पार्ट, तो वो कितना आएगा, 75 पैसे आएगा। 100 का आप 3/4 निकालोगे तो क्या आएगा, 75। तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 4.75 रुपीज प्लस 7.25, 1/4 हमने लिखा है, 7.25। तो इसे कैसे लिखेंगे, 7.25 रुपीज, क्योंकि 100 का 1/4 पार्ट अगर आप निकालोगे तो वो कितना आएगा, 25 रुपीज आएगा। तो इसीलिए हमने 7.25 लिया है। इनका हम क्या करेंगे अभी एडिशन। तो 4.75 प्लस 7.25, क्या है ये यूनिट, कौन से इसके रुपीज में दिए हुए हैं, तो इनके एडिशन करेंगे। 5 प्लस 5 10, 0 कैरी 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 0 कैरी 1। यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट देना है पहले। उसके बाद देखिए क्या दिया है, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 7 12, तो आंसर आएगा हमारा 12.00 रुपीज। तो यहाँ पे आप आंसर भी लिख सकते हो, क्या है हमारा आंसर, 12.00 रुपीज। थर्ड वन आपको दिया है 6.5 मीटर, 6.5 मीटर प्लस 3.75, 3.75 मीटर, इनको ऐड करना है। तो पहले तो फ्रैक्शन में लिखेंगे, 6.5 होगा तो इसका आएगा 50 मीटर प्लस 3.75 आएगा 3.75 मीटर। इनका हम एडिशन करेंगे, 6.50 मीटर प्लस 3.75 मीटर एडिशन करेंगे। 0 प्लस 5, 5, 7, 5 प्लस 7 12, 2 कैरी आएगा 1, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो पहले पॉइंट दे दीजिए यहाँ पे। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 10.25, आंसर इज 10.25 मीटर। यूनिट लिखना मत भूलना यहाँ पे। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू दिया है आपको, यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन नंबर जो दिए हैं उनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो 23.4 प्लस 87.9, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 23.4 प्लस 87.9, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 9 प्लस 4 13, 3 कैरी 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो पहले पॉइंट देंगे, उसके बाद 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 7 11, तो 1 कैरी आएगा यहाँ पे 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 8 आएगा 11, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11, तो ये आएगा हमारा आंसर। सेकेंड वन है 35.74 प्लस 816.6, तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि डेसिमल के बाद यहाँ पे टू डिजिट आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद वन डिजिट है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो जब भी हम नंबर्स लिखेंगे तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके नीचे ठीक हमें डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, तभी हम इसे ऐड कर सकते हैं। तो डेसिमल के पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट अगर दिया तो डेसिमल के बाद कितना नंबर है यहाँ पे, सिक्स, तो इसे पहले लिखेंगे उसके बाद यहाँ के नंबर लिखेंगे। ऐसे क्यों लिखना है, क्योंकि अगर नंबर के नीचे नंबर और डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट अगर हम ठीक से नहीं लिखेंगे तो हमारी एडिशन जो है वो करेक्ट नहीं आएगी इसके लिए। तो देखिए फोर के नीचे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे जीरो भी ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फोर लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, सेवन प्लस सिक्स है तो क्या आएगा, थर्टीन, थ्री कैरी आएगा वन, पॉइंट के नीचे पॉइंट, डेसिमल पॉइंट पहले लिखना है। देन फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स आएगा ट्वेल्व, टू कैरी वन, थ्री प्लस वन फोर, फोर प्लस वन फाइव, और एट यहाँ पे ऐसे ही लिखना है, तो इस तरीके से आंसर आएगा। तो आपको याद क्या रखना है कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिखना है, उसके बाद एडिशन करना है। नेक्स्ट वन आपको दिया है 6.95 प्लस 74.88, 6.95 प्लस यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, पॉइंट आएगा उसके बाद के नंबर यहाँ पे 74.88, इसको हमें ऐड करना है। अभी फाइव प्लस एट थर्टीन, थ्री कैरी वन आएगा यहाँ पे, नाइन प्लस वन टेन, टेन प्लस एट एटीन, एट कैरी वन, पॉइंट देंगे पहले, सिक्स प्लस फोर टेन, टेन प्लस वन इलेवन, यहाँ पे वन आएगा कैरी वन, सेवन प्लस वन एट आएगा, ये आएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट वन है 41.03 प्लस 9.98, 41.03 प्लस पॉइंट देंगे उसके पहले और बाद के नंबर जो है एग्जैक्टली इनके नीचे आने चाहिए, तभी एडिशन राइट आएगा। 8 प्लस 3 यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 11 आएगा, 1 कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 0 कैरी 1, पॉइंट देंगे पहले, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 1 कैरी 1, 4 प्लस 1 5, आंसर आएगा हमारा 51.01। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको दिया है यहाँ पे 51.4 सेंटीमीटर प्लस 68.5 सेंटीमीटर, तो इनका भी एडिशन ही करना है। 51.4 सेंटीमीटर प्लस 68.5 सेंटीमीटर, तो देखिए 4 प्लस 5 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 प्लस 8 9, 5 प्लस 6 11, तो आंसर आएगा 119.9 सेंटीमीटर, यूनिट्स देना है यहाँ पे। नेक्स्ट है 94.7 प्लस 1738.45, तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो छोटा नंबर आपको दिख रहा है वो पहले लीजिए, या फिर अगर आपको इजी करना है तो क्या करोगे आप, जो बिगर नंबर है उसको भी पहले ले सकते हो, तो इससे क्या होगा, जो आपकी मिस्टेक्स है वो नहीं होंगी यहाँ पे। और पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट देना है तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, उसके बाद नंबर सिर्फ 7 दिया है हमें और आगे 94 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 94 प्लस करेंगे। फाइव के नीचे नंबर दिख रहा है कि आपको, नहीं तो फाइव एज इट इज आएगा, उसके बाद क्या करना है आपको, फोर प्लस सेवन करेंगे यहाँ पे, तो फोर प्लस सेवन कितना आएगा, फोर प्लस सेवन कितना आएगा, इलेवन आएगा, तो वन यहाँ पे कैरी वन, पॉइंट के नीचे पॉइंट देना है यहाँ पे। उसके बाद एट प्लस वन नाइन, नाइन प्लस फोर आएगा थर्टीन, तो थ्री कैरी आएगा वन, उसके बाद नाइन प्लस टेन ये थर्टीन, थ्री कैरी वन, सेवन प्लस वन आएगा एट, वन एज इट इज, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 1833.15, तो ये आपको यहाँ पे लिखना होगा इस तरीके से आंसर। तो स्टूडेंट आप अगर ऐसे करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, अगर आप 94.7 पहले लोगे उसके बाद ये नंबर लोगे तो भी आपका जो आंसर है वो यही आने वाला है, लेकिन ये सिर्फ इतना होगा कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, लिखने में आसानी होगी और आपका आंसर भी करेक्ट आएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको जितने भी एग्जांपल्स मैंने सॉल्व करके दिए वो अच्छे से समझ में आए होंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।